नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सेकंड ईयर में आपके जो दो पेपर्स हैं उनमें प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है प्रमुख राजव्यवस्थाएं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जापान और चाइना के संविधानों का अध्ययन करेंगे। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको ब्रिटेन के बारे में सामान्य जानकारी देते हुए ब्रिटिश संविधान के अध्ययन के महत्व के बारे में बताऊंगी। सामान्य व्यक्ति जिस देश को इंग्लैंड, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। यद्यपि नाम में केवल वेल्स और स्कॉटलैंड का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें वेल्स और स्कॉटलैंड के प्रदेश भी सम्मिलित हैं। किसी समय में ये पृथक पृथक राज्य थे, परंतु वर्तमान समय में ये ब्रिटेन के ही अंग हैं। ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है। इसका क्षेत्रफल 244,000 किलोमीटर है और 2019 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 66.65 मिलियन है। ब्रिटेन के इस लघु आकार ने इसे एक सुसंगठित इकाई का रूप प्रदान कर ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था को सफल बनाया है। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। इसने 1400 वर्षों के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है और यह अब भी विकासमय है। अब बच्चों, मैं आपको बताती हूँ ब्रिटिश संविधान के महत्व के बारे में। स्वयं अपने क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से ब्रिटेन कभी एक महान देश नहीं रहा है। विश्व में अनेक राज्य ब्रिटेन की तुलना में बहुत विशाल और अधिक जनसंख्या वाले हैं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक ब्रिटेन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रथम श्रेणी के राष्ट्र की स्थिति प्राप्त थी, किंतु आज यह स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ही शेष रह गई है। आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से न केवल अमेरिका वरन जर्मनी, जापान और अन्य राष्ट्रों ने भी ब्रिटेन से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है, तथा ब्रिटेन सामान्य व्यक्तियों के लिए अब एक राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक भी नहीं रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी बात संवैधानिक अध्ययन की दृष्टि से ब्रिटेन के महत्व को कम नहीं कर सकी है। आज भी राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए ब्रिटिश शासन पद्धति से परिचित होना अनिवार्य समझा जाता है और विदेशी संविधानों तथा शासन प्रणालियों के अध्ययन क्रम में ब्रिटिश संविधान के अध्ययन को प्रथम स्थान दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से अनेक ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण ब्रिटिश संविधान का अध्ययन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे तथ्य जो ब्रिटिश संविधान के अध्ययन को महत्वपूर्ण बताते हैं उनको हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। इनमें पहला बिंदु है प्राचीनतम संविधान। यह संविधान विश्व के वर्तमान संविधानों में सबसे पुराना है और विश्व के किसी भी संविधान का इतना लंबा इतिहास नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान का। प्राचीनतम होने के कारण इसके द्वारा विश्व के अन्य देशों के संविधानों और शासन व्यवस्था को भी प्रभावित किया गया है और अन्य देशों के संविधानों को उस समय तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि ब्रिटिश संविधान का अध्ययन न कर लिया जाए। ब्रिटिश संविधान के महत्व का एक अन्य कारण उसका लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण होना भी है। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन और जीवन के तत्वों का अनवरत विकास हुआ है और इसे आधुनिक विश्व का प्रथम लोकतंत्रीय संविधान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विश्व के अन्य देशों के द्वारा लोकतंत्र को इंग्लैंड से ही ग्रहण किया गया है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के संविधान का एक अन्य कारण जो इसे महत्वपूर्ण बनाता है वो है इसका एकमात्र अलिखित संविधान होना। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में इंग्लैंड का संविधान ही एकमात्र अलिखित संविधान है।
ब्रिटिश संविधान उन व्यक्तियों के लिए एक चुनौती है जो मानते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था का सुसंचालन तभी संभव है जबकि शासन के मौलिक सिद्धांत लिपिबद्ध हों। शासन के मौलिक सिद्धांत लिपिबद्ध न होने पर न तो ब्रिटेन में अराजकता है और न ही यहाँ निरंकुशता पाई जाती है। शासक और शासित दोनों ही अपनी सीमाओं से परिचित हैं और यह ब्रिटिश व्यक्तियों को जागरूक, विवेकशीलता और व्यवहारिक होने के कारण है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश संविधान का महत्व इसलिए भी है कि यह निरंतर विकासमय संविधान है। ब्रिटिश संविधान अनवरत विकास का परिणाम है। अन्य राज्यों के समान ही शासन पद पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राज्य के रूप में आरंभ की थी, किंतु यूरोप के अन्य राज्यों ने जहां निरंकुशता के स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाने का कार्य क्रांति और रक्तपात के आधार पर किया, ब्रिटिश संविधान ने बिना किसी क्रांति और रक्तपात के बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में सफलता प्राप्त की। इंग्लैंड में कभी कोई ऐसी क्रांति नहीं हुई जिसकी समानता फ्रांस की 1789 की क्रांति या रूस की 1917 की क्रांति से की जा सके। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश संविधान का महत्व इसलिए भी है कि यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। ब्रिटिश संविधान का निरंतर विकास हुआ है और ब्रिटिश संविधान के विकास का इतिहास निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की जन भावनाओं के संघर्ष का इतिहास रहा है तथा इस इतिहास ने ब्रिटिश संविधान को स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया है। ब्रिटिश संविधान में नागरिकों के किसी अधिकार पत्र का उल्लेख न होने पर भी ब्रिटिश नागरिक किसी अन्य देश के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और अधिकार संपन्न नहीं है। ब्रिटिश संविधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव है। ब्रिटिश संविधान के अध्ययन की महत्ता का एक प्रमुख कारण यह है कि विश्व की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली शासन पद्धति के जनक के रूप में इसने विश्वव्यापी प्रभाव डाला है। विश्व के उन राज्यों पर जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत थे, ब्रिटिश शासन पद्धति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, म्यांमार, मलाया आदि देशों की वर्तमान शासन व्यवस्था ब्रिटिश प्रभाव का प्रमाण है। यूरोपीय महाद्वीप के अन्य जनतंत्रीय राज्यों पर भी यह प्रभाव स्पष्टता देखा जा सकता है। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि ब्रिटिश संविधान अध्ययन की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। अपने अगले व्याख्यान में मैं आपको ब्रिटिश संविधान से संबंधित किसी अन्य टॉपिक के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।